बीपीपी एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 14.1 कि फोर्टीन पॉइंट वन आंसर बताएं। इंटरेस्ट अर्न ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी सही है, बी आंसर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर सही। फोर्टीन पॉइंट टू इसमें करंट अकाउंट बना हुआ है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको सही करना है, उसके बाद आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस बताना है क्या हो। इसका आंसर बताएं। तो सी आंसर। अच्छा देखिए, अब करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। इसके बाद ड्राइंग्स करेंट अकाउंट में डेबिट होंगी, माइनस करते हैं 6,200। अच्छा नेट प्रॉफिट करेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, ऐड कर लें। सैलरीज करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, ये भी ऐड कर, ये बैलेंस आ जाएगा 7,070। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जी, सही है। फोर्टीन क्या? अच्छा देखिए, प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट पेट्रोल बिल, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई ना, और ये एरर है, और रिकॉर्ड कहाँ किया उसको, मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट। ये को तो एरर है, करेक्शन करनी है, ये आंसर होगा ठीक है। ये ड्राइंग्स डेबिट और मोटर व्हीकल एक्सपेंस क्रेडिट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर जी, सही है। ओके हाँ, करेक्शन कर लेते। 14.4 और डबल एंट्रीज नेसेसिटी टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट पेबल ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट होता है, लेस होता, तो ये करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन आ गया डी, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी करंट अकाउंट डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, करंट अकाउंट से माइनस, ड्राइंग अकाउंट में सिर्फ ड्राइंग जाएंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में जाता डायरेक्ट। तो व्हाट डज अ डेबिट बैलेंस ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिकेट? अच्छा करंट अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट होता है,
डेबिट कब हो सकता है? लॉस हुआ हो या फिर ड्राइंग ज्यादा कर ली उसने। ठीक है, तो अच्छा, अब डेबिट बैलेंस होगा तो वो उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी ना टुवर्ड्स बिजनेस। तो अब पहला ऑप्शन है द फर्म ओज द पार्टनर मनी। नहीं, फर्म पार्टनर को पे नहीं करेगी, पार्टनर ओज द फर्म मनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पार्टनर्स ओज द फर्म मनी। फोर्टीन पॉइंट सिक्स। कर लिए पहले। अच्छा चलो, ये हो चुके आंसर। इसमें क्या करेंगे आप, प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस होगी, उसके बाद रेशो लगाकर उसका शेयर निकाल लेंगे ना, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 30,709 माइनस 14,000। सैलरी किसकी है, इंग्रेड की ना। सैम्स का हमें शेयर बताना है, तो सैम्स का रेशियो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, 9548। ऑप्शन डी। फोर्टीन पॉइंट सेवन। अब इसमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाकी ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं, क्लोजिंग बैलेंस बताना है। अब इसमें करंट अकाउंट बनेगा, सॉल्व करें। अच्छा, 14.7, इसको ये कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 24,800 क्रेडिट, ये ऊपर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स करंट अकाउंट में डेबिट होंगी, माइनस करते हैं। सैलरी करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट होगा, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, प्लस है। इसका बैलेंस आ जाएगा 24,240 क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सही है। 14.8 सॉल्व करें। 13.8, जिसमें प्रॉफिट है 98,500 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है ना। तो 98,500 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, 7,900 माइनस 5,100, ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, हमें किसका बताया ना, कार्ल्स का। तो कार्ल का निकाल लेते हैं शेयर कितना, 3:2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ये तो इसका प्रॉफिट शेयर हो गया, तो करंट अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसमें ऐड कर लेते हैं 5,100, टोटल हो जाएगा 39,300। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रॉफिट कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लें पहले, 7,900 माइनस 5,100, ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हमें किसका शेयर बताना है, काल का, तो इसका रेशियो क्या होगा, 2, तो हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये तो इसका प्रॉफिट शेयर आ गया, तो किसके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ, हाँ कैपिटल, ये भी इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5,100 आंसर आ गया। फोर तो थ्री, क्या गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ऐड होता है, एक मिनट, पहला पार्टनर कौन है, एलेक, सेकेंड कॉल, और ये टोटल, ये समझ लें। प्रॉफिट कितना है, तो कंप्लीट करवा देता हूँ सॉल्व, 98,500, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 7,900,
और 5,100 दोनों को ऐड करें, 13,000। ठीक है, अभी आ जाएगा 13,000 माइनस करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट है 85,500। इसको रेशियो में डिवाइड करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 से, मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये 51,300। ठीक है, और अब इसे मल्टीप्लाई करें 85,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 34,200। ये आ रहे ना 34,000, ये जो है। ठीक है जी, तो का टोटल कर लेते हैं, काल का कितना बन रहा है, 39,300 आ रहा है। तो ये इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। काल का करंट अकाउंट बैलेंस 39,300 से इंक्रीज हो जाए, सही। 14.9, बता देता हूँ, 14.9। इसमें गुडविल दिए, पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट, और उनके करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कौन है, ब्रूस और लैरी। हम शॉर्ट करते थे बी कैपिटल, और लैरी को एल कैपिटल कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, इनका टोटल कैपिटल कितना है, डिवाइड करें, रेशियो क्या है, इक्वल है 6,000 6,000। ठीक, अब राइट ऑफ में क्या होगा, तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे ना, थर्ड पार्टनर कौन है, रेडी, तो ई कर देते हैं, ई कैपिटल, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। अब इनका रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 2:1, अमाउंट क्या बन रहा है, 48 48 24। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सी जी। ओके, 14.10 सॉल्व करें, ठीक अब इसमें रिक्वायरमेंट चेंज है, क्या लिखे, हाउ मच मस्ट जैक कंट्रीब्यूट टू द पार्टनरशिप टू एंश्योर दैट इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज नील। इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, कितना इन्वेस्ट करेगी कि उसका कैपिटल बैलेंस जीरो हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करेंगे आप, गुडविल दी हुई पहले, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं, के बाद राइट ऑफ करेंगे, गुडविल डेबिट, और होल्ड पार्टनर्स कौन है, डेबिट और टोनी, तो कर दें डी कैपिटल और टोनी डी कैपिटल। गुडविल कितनी है, टोटल 50,000। रेशियो क्या है इनका, 3:2, 30,000 और 20,000, ये तो हमने गुडविल रिकॉर्ड किया। अब राइट ऑफ करेंगे, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, थर्ड कौन है, जैक, जे कैपिटल, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। न्यू रेशियो क्या है इनका, इक्वल है ना, शेयर इक्वली, तो 50,000 डिवाइड बाय 3 कर दें, 16,666 कर दें, तो भी 16,666, इसको हम कर देंगे 16,667 कर दें। सब इसने आपको बताने के रिक्वायरमेंट क्या है, जैक कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, इन्वेस्ट करे कि कैपिटल बैलेंस जीरो हो जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और जैक कैपिटल। ठीक,
जैक गुडविल जब हमने राइट ऑफ किए तो जैक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 16,667। अगर वो इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,667 से। कैपिटल बैलेंस क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल राइट ऑफ के टाइम पर जो उसका शेयर बन रहा है उतना ही अमाउंट वो अगर इन्वेस्ट कर दे तो उसका कैपिटल बैलेंस 0। 14.10। अच्छा, मैं इसको ठीक है ठीक है, इसको मैं आपको टी अकाउंट बनाकर समझाता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। टी अकाउंट बनाकर समझा देता हूँ। जैक कैपिटल, अच्छा देखिए, जैक की जो इन्वेस्टमेंट होगी, जब इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो आपको यही हमें फाइंड करना है कि वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, उसका जो बैलेंस है वो आखिर में 0 आए ना, 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हमने गुडविल राइट ऑफ की, राइट ऑफ के टाइम पर जैक कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसको यहाँ पोस्ट कर दें, डेबिट हो गया गुडविल। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, देखें ये टोटल आ गया। अब इसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कितना इन्वेस्ट कर दें? 16,667। क्या होगा इसका कैपिटल बैलेंस? 0 हो जाएगा। क्या आंसर है? 16,667 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल बैलेंस 0 हो जाएगा। जी भी प्रॉब्लम है तो बता दें। जी जी इलेवन जी जी अब इसमें पहले अब क्या करेंगे? 14.11, पहले तो गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुडविल डेबिट होल पार्टनर्स के नाम क्या है? सारा एंड तानिया, एस कैपिटल और टी कैपिटल। गुडविल कितनी है? 90,000। रेशियो क्या दिए इनका? इक्वल है 45-45। ठीक, अब गुडविल राइट ऑफ करेंगे और थर्ड पार्टनर कौन है? उर्सुला द यू कैपिटल, उर्सुला ठीक है, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इनका रेशियो क्या है? अभी इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अच्छा, इसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट है, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितना है? 80,000। अब रिक्वायर्ड में क्या है आपके पास? सारा और उर्सुला का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताना है आफ्टर एडमिशन। टी अकाउंट बना लेते हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा, टी अकाउंट से करवा देता हूँ। मैंने पहले सारा कैपिटल, सारा से शारजा कर दिया। जब इसका कैपिटल बैलेंस कितना है? 1,20,000 है। 1,20,000 कैपिटल बैलेंस है ना। अब ये पहली एंट्री हमारी, इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 45,000 से, और ये सेकंड राइट ऑफ में इसका कैपिटल डेबिट हुआ वह 30,000।
बैलेंस कर लेते हैं 165 माइनस 30,000, 135 कैरी डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सेकंड पार्टनर है उर्सुला, उर्सुला का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताना है आप। जिसका कैपिटल बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, न्यू पार्टनर है, अब इसने इन्वेस्ट किए, पहले गुडविल राइट ऑफ किया हमने, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 30,000 से। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 80,000। बैलेंस कर लेते हैं, क्लोजिंग आ जाएगा इसका 50,000, 135 और 50,000, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए। सही, कॉपी कर लें, ये प्रॉपर अकाउंट्स बना के हमने सॉल्व कर लिए। फोर्टीन पॉइंट ट्वेल्व सॉल्व करें। अच्छा, इसमें करंट अकाउंट बैलेंस बताने हैं। फोर्टीन पॉइंट ट्वेल्व करंट कितने पार्टनर्स हैं? पहले दो पार्टनर ब्रूस एंड ली, और टोटल यहाँ पे आ जाए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 199,500। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले क्या है, सैलरी 540,000 पर ईयर सैलरी मिल रही है ली को 3,000, यहाँ प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर ईयर, तो 1 लाख का 6%, 6,000, 6,000 और 50,000 का 6%, 3,000 माइनस करेंगे यहाँ से, टोटल 9,000। के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, अब रेशियो कितने दिए इनका, रेशियो क्या है, 4:3। आंसर बताएं, ठीक है। ये दोनों ने इनका सम कर लेते हैं, सही है, ठीक है, ये आ जाओ, तो टोटल बता दिया 64,500। अच्छा, अब इनका अकाउंट बना लेते हैं, तो टी अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट, अच्छा हो गया ब्रोस। इनके अब करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 12,000 और 14, 12,000, 14,000। अभी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, पहले सैलरी मिल रही है ली को, इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, फिर ब्रोस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 क्रेडिट होगा, उसके बाद ये रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, ये भी क्रेडिट हो जाएगा ना, 64,500 और 86,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ड्राइंग्स हैं, इसकी ब्रोस की ड्राइंग्स हैं 7,500 ईच मंथ,
इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, ईच मंथ मल्टीप्लाई करें 12 से, तो किसने किए, ब्रूस ने 90,000, तो ये इसके अकाउंट में ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी ना, ड्राइंग्स आ गए। अब उनको बैलेंस कर लेते हैं अकाउंट्स को, 1,04,000, 1,04,000 माइनस करेंगे 90,000, 14,000। उसके बाद डी का अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आ गया 121,500, 121,500, तो यही इसका बैलेंस हो जाएगा 121,500। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉपी कर लिया तो देख लेते हैं भाई क्या है। मैंने क्वेश्चन, प्रॉफिट कितना है, 108,255, तो ऊपर की सैलरी है पहले 19,000 माइनस करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा, आंसर आ गया ऑप्शन सी। सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14.14, बेस्ट डिस्क्राइब डेफिनेशन बता दें। सही है, ऑप्शन सी सही है। 14.15, नॉट बी इंक्लूडेड, बी कह रहे, डी कह रहे, बी ऑप्शन बी सेकंड ना। 14.16, 14.16, पहला बताएं फॉल्स, दूसरा दोनों फॉल्स हैं, अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ट्रू हो जाएंगे, फिलहाल दोनों फॉल्स हैं। ओके, ये हो गई बी कैप्लान के किट कंप्लीट, बीपीबी।